यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कृपया इस वीडियो का गलत इस्तेमाल ना करें और इस वीडियो के अंदर जो भी आपको जानकारी बताई जाएगी उसका उपयोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी के भी फ़ोन की स्क्रीन को अपने फ़ोन में दे सकते हो। चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे आपका वो GF हो, चाहे आपकी BF हो, कुछ भी हो, आप उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने फ़ोन में देख सकते हो। और चाहे उसका फ़ोन ऑफ हो या ऑन हो, लॉक स्क्रीन पे लॉक वो चला रहा हो या फिर वो बंद पड़ा हो, आप अगर वो बंद रहेगा फ़ोन तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि वो कहाँ है, क्या बात कर रहा है, किसके साथ है, सब कुछ आप सुन सकते हो। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो उसकी स्क्रीन भी आप देख सकते हो अपने फ़ोन में। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी। अब ये एप्लीकेशन मिलेगी कहाँ आपको, ये एप्लीकेशन मिलेगी आपको, मैं एंडिंग में बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी। ये एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबको अलाउ करना है, सबको अलाउ करना है, तभी ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से वर्क करेगी। अन्यथा ये इसमें एरर आने लगेंगे और अगले यूज़र को या फिर जिसमें भी आप ये इंस्टॉल कर रहे हो उसमें वार्निंग आने लगेगी। इसलिए बोल रहा हूँ सभी परमिशन को अलाउ करना और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना आपको भी। ओके, तो आप इन परमिशन को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पे एक आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर डोंट शो अगेन का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक मार्क करके उसके बाद अलाउ करना है। मेरे पास नहीं आ रहा, आपके पास आएगा तो आपको अलाउ करके ही उसको स्टार्ट करना है, पहले स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद आपको 3 डॉट में जाना है और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस में क्लिक करना है। प्रेफरेंस में क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन है, यहाँ पे आपको इसको डिसेबल करना है, इससे ये जो आइकन है ये हाइड हो जाएगा। और उसके बाद आपका आपको करना क्या, बैक आना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा, यूजर के फ़ोन में नोटिफिकेशन, इसको हाइड कैसे करना है, यहाँ पे मोर सेटिंग में जाके इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ से हाइड अगर किसी, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ऑफ मत करना, लेकिन सेटिंग में अंदर जाके ही ऑफ करना है इसको। यहाँ से ऑफ मत करना, बिल्कुल ऑफ मत करना यहाँ से। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपका काम हो गया ख़त्म। उसके बाद जो ऊपर जो लिंक शो हो रही है, आप जो ये URL है इसको आपको कॉपी करना है, जो यहाँ पे URL शो हो रहा है यहाँ पे इसको कॉपी करना है। आप डायरेक्ट उससे कॉपी लिंक पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद मैं क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर उस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं आपको इस फ़ोन में और दूसरे फ़ोन में दोनों में दिखाऊँगा कि आप दोनों में कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी किया मैंने और इसको मैं प्ले करता हूँ। जो मेरी स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन ना, वो सेम टू सेम स्क्रीन आप इसमें देख सकते हो कि ये स्क्रीन मिररिंग होना स्टार्ट हो गई है। आप चेक कर सकते हो कि ये इसी फ़ोन की स्क्रीन है। मैं एक बार बैक जाता हूँ और इसके बाद फिर से इसमें ऐप में इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप देखना कि वो क्यों स्क्रीन आपको यहाँ पे शो होगी। ये मेरे नेट की वजह से लैग इश्यू हो रहा है, वरना ये लाइव चलती है, एकदम बिल्कुल लाइव चलती है। मेरा नेट स्लो है इसलिए डिले हो रहा है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको अपने PC में भी चेक करके दिखाऊंगा कि मैं PC में लिंक कॉपी करूंगा और मेरा फ़ोन की जो भी स्क्रीन है वो मेरे PC में चलने लग जाएगी। ओके, तो हम अब क्रोम ब्राउज़र में उस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद देखना, जब मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है सेम टू सेम वही स्क्रीन इस फ़ोन में आप इस क्रोम ब्राउज़र में आपको शो होगी। तो उसके लिए ये जो URL है उसको मैं इसमें कॉपी करता हूँ। आप चाहे तो फ़ोन में कॉपी करो, PC में कॉपी करो, किसी में भी कॉपी करो, बस जो ब्राउज़र है उसमें कॉपी हो जानी चाहिए। ब्राउज़र में कॉपी होने के बाद किसी भी ब्राउज़र में आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो उस फ़ोन की डिटेल, जो भी स्क्रीन है देख लो आप। एक तरफ मेरा फ़ोन है और एक तरफ जो मैंने क्रोम ब्राउज़र में जो URL पेस्ट किया हुआ है, तो उसी हिसाब से देखना आप कि मेरी जो स्क्रीन है वो लाइव स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है, बिल्कुल लाइव शो हो रही है। अब मैं फ़ोन को चलाता हूँ, वैसे वैसे ये इसमें भी शो होने लगेगी। और इसमें ऑडियो भी आपके साथ ही आता है, ऑडियो भी इसके साथ ही आता है। मैं ऑडियो यहाँ पे सुना नहीं सकता आपको, लेकिन ऑडियो इसमें आता है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको मॉडिफाई करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, और ये एप्लीकेशन प्योरली मॉडिफाई है, आप जो इसमें करना चाहो। और आप चाहते हो कि मैं इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई के ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊँ एक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आप इसमें कुछ भी देख सकते हो। अगर आपका भाई GF जो भी है वो कुछ भी कर रहा होगा अपने फ़ोन में, वो इसमें देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि मेरा एक क्रोम ब्राउज़र ये है, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा, ये रियल वीडियो। और आपको अगर लेटेस्ट वर्जन, आपका फ़ोन लेटेस्ट वर्जन पे है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो आपको
कमेंट कर देना, आप कमेंट कर देना ओके। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस एप्लीकेशन को इस जगह हाइड कर देना, आप विक्टम के फ़ोन में ऐसी जगह हाइड कर देना जहाँ से आप कोई देख ना सके इसको, जैसे कि प्ले सर्विस से, तो आप जिस जहाँ पर गूगल की एप्लीकेशन हो वहाँ पे इसको रख देना, तभी आप सिक्योर हो पाओगे वरना सिक्योर नहीं हो पाओगे। और इसके अंदर पासवर्ड प्रोटेक्ट भी लगा सकते हो, उसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करने के बाद ही मैं बताऊँगा कि आपको वो वीडियो कैसे मिलेगी और वो पासवर्ड आप कैसे लगा पाओगे इस वीडियो को। जैसे कि इस वीडियो को, इस ऐप को आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये पासवर्ड मांगने लगेंगे, तो यूज़र को लगेगा कि यार ये कोई एप्लीकेशन है गूगल की जो पासवर्ड से सिक्योर है, जो बस वो पासवर्ड लगाएगा, पासवर्ड लगाते ही पासवर्ड रॉन्ग होते ही एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी ओके। तो अगर आप चाहते हो कि विक्टम को ऐसे पता ना चले कि कौन है ऐसा जो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसको ओपन करते ही विक्टम को पता चल जाएगा कि कोई मेरा फ़ोन चुप चुप के देख रहा है, और अगर आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दोगे इस एप्लीकेशन को तो विक्टम पता नहीं चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन, मेरा फ़ोन हैक हुआ है, किसी ने मेरा फ़ोन हैक किया है। तो इसलिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब ये देखो, आप अगर कभी किसी में ऐसा हो कि आपकी लिंक वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो ये 30 दिख रहा है आपको, जो 30 दिख रहा है उसमें आपको चेंज करना है, आपको 1 से 30 तक की या फिर 30 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 30 से ऊपर बहुत नाजुक बहुत कम जाती है, लेकिन 1 से 30 तक की अंडर ही ये URL आपको रहेगा। अगर आपका कई बार URL आपको UR वर्क नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। आप 1 से 30 तक कोई भी रेंडम यूज कर सकते हो, कोई भी रेंडम ले सकते हो, उससे आपको होगा क्या कि ये लिंक ऑटोमेटिक चेंज करता है, ये एप्लीकेशन लिंक ऑटोमेटिक चेंज करता है, सर्वर की जो लिंक है ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, तो उससे आपको ये देख सकते हो। अगर आप लिंक चेंज यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर लिंक चेंज हो गई और यहाँ पर आपने चेंज नहीं की तो आप नहीं देख पाओगे, तो इसलिए यहाँ 1 से 30 तक के बीच में आप कोई भी शब्द लगा के यहाँ पे लिंक को चेक कर सकते हो ओके। तो मैंने इसकी आपको पूरी जानकारी दे दी, अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, इसमें पासवर्ड कैसे लगा सकते हो और किसी भी ऐप को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं बता दूँ आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगी तो टेलीग्राम में तो कन्फर्म वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी, और मुझे कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूँगा।